वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको केरला के हेवन मींस मुनार ले चल रहा हूँ और मुनार के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा और ऐसे ऐसे प्लेसेज बताऊंगा जहाँ पर आपको जरूर जाना चाहिए। तो चलिए आगे चल के मैं आपको सब कुछ बताता हूँ और सब कुछ दिखाता हूँ, लेकिन आप पहले रोड देख लीजिए। दोनों तरफ टी के पूरे फॉर्म हैं, आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड, और ब्लू स्काई आपके सामने दिख रहा होगा। यहाँ की मॉर्निंग और यहाँ की इवनिंग तो बहुत ही ज़बरदस्त होती है, लेकिन अगर मुनार ट्रिप की बात की जाए तो यहाँ पर घूमने के लिए बहुत जगह हैं। वह जैसा कि जब आप आओगे तो आपको आते ही मिल जाएंगे दो वाटरफॉल जो बिल्कुल सुंदर नहीं है, बहुत ही कम पानी उनमें हमेशा रहता है और बारिश के सीजन में तो आप जा नहीं सकते हो। तो वाटरफॉल को मैं निगलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद रोज़ गार्डन जो है वहाँ भी जाने लायक नहीं है। अभी जहाँ जाने लायक है, जो आपको करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको एलिफेंट राइड अगर मुनार आए हो तो जरूर करना। एलिफेंट राइड में बहुत मजा आएगा, 100% मजा आएगा। 600 रुपीज पर पर्सन लेगा, ओके। तो 600 रुपीज पर पर्सन देके आप एलिफेंट राइड जरूर करना। अगर आपको हाथी द्वारा नहाना है, हाथी आपको शोवर देगा, अगर वो भी करना है एक्टिविटी को ऐड करना है तो आपको 1000 रुपीज पर पर्सन पे करना पड़ेगा। तो ये हो गई एलिफेंट राइड। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मस्त जगह है वो मेरे हिसाब से है टी गार्डन। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी टी फैक्ट्री हैं जहाँ पे टी बनती है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। टाटा का भी है, रिपल का है, बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन टी गार्डन के सामने जो फोटो जाएगी ना, वहीं पर आप रियल, आपको फील होगा कि रियल मुनार यही है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज मैं आपको जहाँ ले चल रहा हूँ, चलिए वहाँ पर पहुँच के आपको दिखाता हूँ। तो ये मैं पहुँच गया हूँ जहाँ पर मुझे जाना चाहिए था। यहाँ पर है टी गार्डन का सेल्फी पॉइंट, तो यहीं पे आपको आना है और यहीं पे जबरदस्त फोटो क्लिक करना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं और बताता हूं कि यहां पे आप कैसी कैसी फोटो क्लिक कर सकती हो, क्योंकि यहां पे टी के गार्डन के अंदर जाके फोटो क्लिक करना मना है और इस नीचे तरफ आप उतर नहीं सकते हो। कुछ टी गार्डन में अलाउ है, आप उस टी गार्डन के अंदर जाके फ़ोटो क्लिक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप नहीं जा सकते और जाना भी मत, क्योंकि ये पूरा वैली टाइप में है। तो पहले आप ये ब्यूटीफुल क्लिप देखिए, उसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ और बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप कितनी अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात और अच्छी बात यही है कि मुनार में सभी आते हैं और सारी जगह घूमते हैं, लेकिन जो फोटोग्राफी आपको यहाँ पर होगी वो कहीं भी पूरे मुनार में आप क्लिक नहीं कर सकते हो। तो अगर आप मुनार आते हो तो ये टी गार्डन की सेल्फी पॉइंट में ज़रूर आना, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मुनार के और जगहों को दिखाऊंगा और उनके बारे में बताऊंगा।